उनको कोई इंसानों की अहमियत है ही नहीं उनके पास, कि उनको कोई दुख हो, कोई उनको दर्द हो, कोई उनको समझ हो। नहीं तो एक छोटी बच्ची के लिए कब का वो वापस हो सकती है। हमें थोड़ा इससे आगे जाना पड़ेगा, वन स्टेप। जो मेरा जाती तजुर्बा है, एक तो जो मैंने भाई का पहले भी जिक्र किया था, 88 में जब किडनैप हुआ था तो उस जमाने में मीडिया बहुत कम था, सिर्फ अवामी आवाज़ अखबार थी और कावश भी नहीं थी। लेकिन हमने जो वहाँ स्ट्रगल की वो रोज़ाना के बुनियाद पर की। कंदकोट में, और मेरा कोई बड़ा उसमें वो नहीं था कि मैं तो स्टूडेंट लीडर था डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन का, लेकिन जब इंसान में कोई विल पावर होता है काम करने का, वो मौजूद था। तो कंदकोट में पहली दफ़ा उस ज़माने में शहरी एक्शन कमेटी का बुनियाद मैंने रखवाया, और उस सिटीज़न एक्शन कमेटी में तमाम लोगों को हमने शामिल किया, पीपल्स पार्टी, GSN, जमीयत उलमा इस्लाम, पलीजो साहब की तहरीक, तमाम लोगों को, और उसका रिजल्ट हमें मिला कि हम रोज के बुनियाद पर वहाँ हमने टोकन हंगर स्ट्राइक भी की। भले हम 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, लेकिन वो खबर रोज बननी चाहिए। तो रोजाना के बुनियाद पर हम वो खबर देते थे, अवामी आवाज के फ्रंट पेज पे हम लगवाते थे। हमने राबता किया, हमने जाती तौर पर बेनजीर साहिबा को टेलीग्राम किया, उसका हमें जवाब आया। हमने अकबर बुक्ती से राबता किया, उसका हमें रिजल्ट मिला। हमने, और इसमें जो पुलिस का किरदार था, ये कभी कभी लकली होता है, अच्छे ऑफिसर आज भी मौजूद हैं कुछ। तो जो अख्तर जावरी था SSP, उसका बहुत बड़ा किरदार था, और मैंने जिस पे शक दिखाया था, और वहीं से मेरा भाई रिकवर हो गया। तो 10 दिन के अंदर अख्तर जावरी ने बगैर उसके रेंसम के मेरा भाई पुलिस ने घर में पहुंचाया। तो हम ये कर सकते हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अभी रिसेंटली गोसपुर के लड़के वापस आए हैं, उन्होंने भी रोज़ाना के पे बुनियाद पे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, कंदकोट में भी जुलूस किया, गोसपुर में भी किया, हर जगह रोज़ के बुनियाद पर। इससे पहले कश्मीर वालों ने एक तहरीक चलाई। तो मेरी आपसे सजेशन है, जो कमेटी है, कि यहाँ रोज हम 2 घंटे सिर्फ टोकन हंगर स्ट्राइक प्रेस क्लब के बाहर करें, और मेरा नाम लिख दें, हफ्ता 2 हफ्ता तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। और हम इस तरह 3 लोग भी 4 बैठे, लेकिन रोज की खबर बने, रोज मीडिया में, रोज TV में। तो इस हुकूमत पे तब भी कोई प्रेशर बन सकता है, नहीं तो मैं समझता हूँ ये जितने नालायक जो हुक्मरान हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कि 3 साल से एक बच्ची गायब है। किसी की भी बच्ची गायब हो तो उसके माँ बाप के साथ कितने दुख की, एक दर्द की एक कहानी है। क्योंकि मेरे भाई किडनैप हुआ था तो मुझे पता है, जब कोई बच्चा किडनैप होता है तो उसका माँ बाप और उसके फैमिली वाले नींद नहीं कर पाते। सारी रात हम जागते थे, प्लानिंग करते थे कल क्या करना है। लेकिन हम कोशिश करें, ये जो भी हो रहा है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि हम इससे आगे जाएं, 1 स्टेप। और हम इस हुकूमत को ये भी बताएं कि कल हम गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं, कल हम सिंध असेंबली की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम यहाँ बैठे रहेंगे, हफ्ते में एक दफ़ा हम यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि इन जो हुक्मरान हैं, जो बहुत ही करप्ट, और इसमें भी ये जो संग्रार से बच्ची गायब हुई है, कोई भी छोटे शहर में, क्योंकि ये एक मशहूर कहानी है कि एक दफ़ा पुलिस वाले शामिल हुए थे तो हिंदुस्तान वालों से पूछा कि आपके पास कोई वाक्या हो जाए,
तो आप कितने दिन में? उन्होंने बोला हम 15 दिन में ढूंढ लेंगे। यूके वालों से बोला, उन्होंने बोला हम हफ्ते में ढूंढ लेंगे। जब पाकिस्तानी पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने बोला हमें वाकया होने का पहले ही पता होता है कि ये वाकया कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ छोटे गांवों में जो वाकया हो, ये हो ही नहीं सकता कि वहां का लोग कोई बड़ा आदमी उसमें पाथारीदार मुलवस ना हो। तो ये पुलिस वाले, अगर ये हुकूमत, ये रियासत कोशिश करे तो प्रिया कुमारी हमें 3-4 दिन के अंदर वापस मिल सकती है। तो मेरा मशवरा आपको, रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों को कि आप ये भी जो भी जिद्दोजहद कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको आपकी जो कमेटी बनाई है मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा तो इससे एक कदम आगे का सोचें कि हम इसको हुकूमत को कैसे मजबूर करें, इस रियासत को कैसे मजबूर करें कि प्रिया कुमारी को वापस कराया जाए। थैंक यू।